फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो। तो आज मैं आप सबके साथ इवनिंग से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, जो ब्लॉग मैं कल पूरा फुल डे कंटिन्यू करूँगी। आगे आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। तो गणपति जी का लिए प्रिपरेशन हो रहा है, गणपति जी के लिए सिंहासन रेडी हो रहा है, डेकोरेशन हो गया। यहाँ पर हस्बैंड सारे फ्रूट्स वगैरह फल वगैरह लेके आए हैं। पिछले साल जो भी मेरे पास था डेकोरेशन का आइटम, उसी से मैं डेकोरेशन कर रही हूँ। मैं और हस्बैंड दोनों मिलके गणपति जी के लिए डेकोरेशन करके सजाए हैं। फ्रेंड्स, आज है नेक्स्ट डे, आज है गणेश चतुर्थी, 19 सितंबर। तो गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल ऑफ माई फैमिली। तो आज के दिन में सबके घर में, ऑलमोस्ट सबके घर में गणपति बप्पा आते हैं, तो मैं भी जा रही हूँ अपना गणपति बप्पा को लाने के लिए। और ये रहा हमारा गणपति बप्पा का मंदिर, जो सिंपल ही है, जो था उसी में मैं डेकोरेशन की हूँ। एक्चुअली हमारे यहाँ पर 3 दिन से बहुत हेवी रेन हो रहा है, जिसके कारण हम लोग बहुत अच्छे से डेकोरेशन का शॉपिंग नहीं कर पाए। जो था मेरे पास वही से मैं की हूँ। तो अभी जा रहे हैं गणपति बप्पा को लाने के लिए। तो गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। हम लोग निकल रहे हैं गणपति जी को लाने। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। यहाँ पर थोड़ा सा रुके हैं हम लोग। तो यहाँ पर हस्बैंड ले रहे हैं आटा। एक्चुअली गणपति जी को जो मैं भोग चलाऊंगी, उसके लिए फ्रेश आटा चाहिए मुझे, तो आटा लाना है। तो हस्बैंड गए आटा लेने। और यहाँ से दुर्बा, यहाँ पर बहुत ही सुंदर सा एक पार्क है, तो ये पार्क के अंदर दुर्बा मिल जाएगा, जो गणपति जी का बहुत ही फेवरेट चीज है। और दुर्बा को लाना है, तो एक मुट्ठा दुर्बा लेके जाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा दुर्बा लगता है गणपति जी का पूजा के लिए। और डेली जो दुर्बा लगेगा, उसके लिए हम लोग का सोसाइटी के नीचे से लेके आएंगे। आज के लिए यहाँ से लेके जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ से हम लोग कुछ छोटा मोटा चीज बाकी है, जैसे फ्लावर बाकी है, स्वीट बाकी है, मोदक बाकी है, पान पत्ता, और हाँ ये बाकी है, ये सब लेंगे। उसके बाद गणपति बप्पा को लेके हम लोग घर जाएंगे। पान पत्ता लाने, और काफी ज्यादा ट्रैफिक है, तो ये रहा पान लेके आए फ्रेश। मैं जा रही हूँ माला लेने। लेना हो गया है, अभी जा रहे हैं गणपति बप्पा को लाने। और बेटा आज एकदम भी नहीं चल रहा है, पापा के गोदी में है। गणपति बहुत सारे हैं, बहुत सारे स्टॉल लगे हैं, जिसमें गणपति जी सारे हैं। बहुत सुंदर सुंदर गणपति है, छोटे से बड़े तक। और ये प्योर मिट्टी वाला है, पीओपी वाला नहीं है। तो हम लोग प्योर मिट्टी वाला एकदम गणपति लेंगे, जो अच्छा होता है। तो यहीं से हम लोग गणपति एक पसंद करेंगे और पापा को घर ले जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर गणपति बप्पा, कितने अच्छे से गणपति बप्पा है। तो चलिए मैं कौन सा गणपति लेती हूँ, घर जाके दिखाते हैं। मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया। अभी गणपति बप्पा को घर में अंदर ले रहे हैं। तो लेने से पहले गणपति जी को जल छिड़क देना पड़ता है, जो पकड़ के रखते उसको भी तिलक करना पड़ता है। उसके बाद बहुत अच्छे से तिलक करके, उसके बाद शंख बजाते हुए गणपति बप्पा को अंदर लेना पड़ता है। सामग्री के लिए ये पूजा का जो दशकर्मा का जो चीज होता है, वो सब है यहाँ पर है। लाल कपड़ा, हल्दी, कलेवा, गोटा हल्दी, सुपारी, इलायची, लौंग, जनोई, उसके बाद रुई। और यहाँ पर फ्रूट्स है, बनाना है, अनार है, एप्पल है, कोकोनट है, ये घट में चढ़ाने के लिए, चावल है, होल चावल, ये है सूखा नारियल, और ये है जैगरी,
और यहाँ पर है फ्लावर और एक फ्रूट्स है रखा हुआ। तो इसमें बहुत सारा ढेर सारा दुर्बा जो बहुत ज़्यादा प्रिय है गणेश जी को, दुर्बा है यहाँ पर। यहाँ पर पान पत्ता है और यहाँ पर है लूज फ्लावर है और इसमें मैं गणपति जी के लिए माला बनवाई हूँ। तो ये सारा कुछ है और इसके नीचे है मिठाई। तो सब कुछ अरेंजमेंट कर लेते हैं फटाफट। पूजा का सामान को अच्छे से प्रिपरेशन कर ली हूँ, देन मैं एक बार शावल ली हूँ और अच्छे से रेडी हो गई हूँ। जो मेरे पास था सामने मैं वही रेडी हो गई हूँ। अभी बप्पा को चलिए पूजा करते हैं। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। मैं गणपति जी को पूजा कर रही हूँ, तो पूजा तो अपने हिसाब से किया जाता है। तो मैं जिस तरीके से करती हूँ, तो गणपति जी के सबसे पहले अभिषेक कर दी हूँ, जल छिड़क दी हूँ, उसके बाद मैं गणपति जी को जनेऊ दी हूँ, कलेवा दी हूँ वस्त्र हिसाब से, उसके बाद तिलक कर रही हूँ हल्दी कुमकुम से, उसके बाद अक्षत दे दी हूँ और उसके बाद फूल अर्पित करके, उसके बाद धूप दीप कर्पूर आरती सब कुछ करके भोग लगा दी हूँ। तो ऐसे करके मैं गणपति जी का पूजा करती हूँ, सेवा करती हूँ और 10 दिन जो भी मैं गणपति जी को भोग बना के देती हूँ वही हम लोग प्रसाद के रूप से खाते हैं। अभी मैं और मेरे हस्बैंड गणेश जी को माला चढ़ा रहे हैं, दूध और लड़ का फूल इसका माला दे रहे हैं। ये काफ़ी प्रिय होते हैं गणपति जी का। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। गणपति जी का आरती मैं आप सबको भी दे रही हूँ। आप सब बहुत अच्छे रहिए, सुख समृद्धि मिले। श्री गुरु चरण सरोज रज मस्त नीन चराय, चालीस प्राण करु भूमिगत सारना माय। जय गोवर्धन गौरी पुत्र गणेश, अनुष वाहन गणेशादन काटो सकल परेश। सब संपत्ति से दासा भाद्र चौथ गणपति आवे, मुंडा को भोग लगावे। गुड इवनिंग गाइस। तो थोड़ा सा लेटे थे खाना खाने के बाद, हस्बैंड बनाए थे खिचड़ी, तो खिचड़ी खाया है। आज से हम लोगों का 10 दिन तक पूरा वेज रहेगा, विदाउट प्याज लहसुन गणपति जी रहेंगे इसीलिए। तो और हम लोग जो खाना में बनाएंगे, गणपति जी को भोग लगाएंगे, वही प्रसाद हम लोग खाएंगे 10 दिन। मेरा ना कल से ही बहुत ज्यादा हेडेक हो रहा था क्योंकि मुझे ठंड लग गई है बहुत ज्यादा। हम लोग का यहाँ पर ना 3 दिन से बारिश हो रहा था तो बहुत ज्यादा ठंड लग गई। पूरा ये वाला नाक है ना, ये पूरा बंद है मेरा, अब पूरा फोरहेड बहुत ज्यादा पेन कर रहा, बहुत ज्यादा। किचन पूरा फैला हुआ है, जैसे कि हस्बैंड खाना बनाया है तो फैला तो रहेगा, उसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट करना है और बर्तन वगैरह धोएंगे, उसके बाद कपड़े चेंज करके फिर गणपति जी का आरती करेंगे। तो हमारे गणपति जी भी बैठे हैं, मैं हो गई हूँ रेडी, तो गणपति जी का भी आरती होगा। और गणपति जी के लिए स्पेशल चीज आया है, गणपति जी का जैसे आज बर्थडे है तो स्पेशल चीज है, तो चलिए दिखाते हैं। बप्पा के लिए लेके आए हैं मोदक केक। तो बहुत दिन से मन था जब बप्पा आएंगे, जब बप्पा के लिए बर्थडे केक लाएंगे। बप्पा का आज बर्थडे है तो केक तो बनता ही है बप्पा के लिए, तो चलिए बप्पा के लिए केक काटते हैं। Thank you.
हो गया गणपति जी का आरती। हमारे गणपति जी बैठे हैं, अभी रेस्ट कर रहे हैं। तो इस बार गणपति जी का बर्थडे के हिसाब से आज केक काटे हैं, गणपति जी के लिए केक काटे हैं। जितना हो सके मैं कैप्चर की हूँ, तो अभी मेरा फ़ोन का बैटरी भी डाउन है और मुझे भी अभी काम है बहुत सारा, तो इस वाला वीडियो को मैं एंड करना चाहती हूँ। चलिए एंड करने के पहले गणपति जी का एक बार दर्शन करा देते हैं अच्छे से। और इस वीडियो का अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा करके बप्पा को शेयर कीजिएगा सारे फैमिली फ्रेंड के साथ। और मिलते हैं बहुत ही जल्द एक अच्छा सा ब्लॉग लेके। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, गुड नाइट। तो चलिए पप्पा को दर्शन दे देते हैं।